आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 58 साल के व्यक्ति मेरे पास में आए, आते से ही रोने लगे जोर जोर से। उनका रोना कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। उनके साथ में उनकी पत्नी थी और बहुत मुश्किल से उनका रोना कंट्रोल में उन्होंने लाया। बाद में बोला, हुआ क्या, क्या हो गया क्या? तो एक 8 दिन पहले उनका बच्चा मर गया था, उनका लड़का जो 4th ईयर में इंजीनियरिंग में था। हुआ गया कि वो लड़का 12th में तो अच्छा था, इंजीनियरिंग में गया। जैसे इंजीनियरिंग में गया तो 1st, 2nd, 3rd, 4th मार्क्स कम कम होते गए और 4th में फेल हो गया। इसके पिताजी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत गरीबी में आए थे। जैसे उसको हर साल में कम मार्क मिले थे, उसको वो डांटते थे, बोलते कि देख मैं कितने गरीबी में हूँ, गरीबी से ऊपर आया हूँ, मैं तुझे पैसा भेजता हूँ, कैसा पैसा भेजता हूँ मुझे मालूम है, तू पढ़ाई नहीं कर रहा जैसी करना चाहिए वैसी, और इतने कम कम मार्क मिल रहे। 4th ईयर में तो उन्होंने बताया था कि तू अभी फेल हो गया तो देख घर में नहीं आने का, मैं तेरे घर में नहीं लूँगा क्योंकि मैं तेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि पैसा कैसा भेज रहा हूँ तेरे को। और वो सच्ची फेल हो गया। और फेल होने के बाद में उसने, उसको हिम्मत नहीं थी, उसने अपने भाई को फोन करके बताया कि मैं फेल हो गया। फेल जैसा हो गया तो पिताजी ने भाई को बोला कि तू उसको बोल कि अभी जब तक पास नहीं हो तब तक घर पर आने का नहीं है और मैं तेरे को पैसा भी भेजूंगा, तो क्या करना वो कर ले। वो इतना डिप्रेशन में गया कि उसने वहीं पुणे में सुसाइड कर लिया। जैसे ही सुसाइड की खबर मिली तो इनको तो मतलब ऐसा हो गया कि कंट्रोल के बाहर हो गया। उनको ऐसा हो गया कि भाई मैंने उसको सुसाइड करने के लिए प्रवृत्त किया, मैं ऐसा कैसा हो गया था, मैंने ऐसा उसको क्यों किया, मेरा लड़का चले गए। ये वीडियो शेयर करने का कारण इतना ही है कि फैमिली प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत रहता है। बच्चों ने डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, काफ़ी अच्छी अच्छी डिग्रियां लेना चाहिए, मगर अभी ऐसा है कि बच्चों को इतने सारे बाहर से डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया से कि अभी उनका फोकस, उनका अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई से निकल जाता है और वो बहुत ईजिली निकल जाता है। अब उसको माँ बाप ने समझना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप जब विद्यार्थी थे, जब वो पढ़ते थे तो ये सब कुछ नहीं था, ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था, तब पढ़ाई थी सिर्फ, और रेडियो था या टेलीविज़न था। अभी बहुत सारा आ गया है तो बच्चों को समझ के लेना ज़रूरी है, और जब बच्चों को समझेंगे तो फिर मालूम पड़ेगा कि अभी उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है, उनको काफ़ी उनका रोना चालू था, मतलब भाई देखो अभी जो हो गया अभी क्या करते बताइए, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी वजह से हो गया, पता नहीं आपकी वजह से हो गया कि उसके दिन भर गए थे, वो उसकी बॉडी निकल गई है मगर वो अभी भी आपके कॉन्वर्जेशन में, आपके बोलचाल में वो जिंदा है। आपको भी तकलीफ जो हो रही है, वो आपको जो गिल्टी महसूस हो रहा है उससे तकलीफ हो रही है, तो वह बुरा हो गया, प्रॉब्लम नहीं कोई। तो काउंसिलिंग जब मैं उसको 2-3 बार बुला के किया तो उनको यही बोला मैंने कि जो हुआ वो 8 दिन पहले हुआ या 10 दिन पहले हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, वो ठीक है वहां तक। अभी आपको जो रोना आ रहा है, आपको जो तकलीफ हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, खाना नहीं है, रोना आ रहा है बार बार, तो वो काहे की वजह से है कि आपको जो गिल्ट फीलिंग हो रहा है वहां से। तो ये आप जब समझ जाएंगे कि वो मर गया उसमें से आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको जो गिल्टी लग रहा है वहां से आपको तकलीफ हो रही है, जो आपने अपने बारे में जो विचार अभी चालू कर लिए कि मैं ऐसा कैसा हूं, मैंने उसको मार दिया, मेरी वजह से वो मर गया, ये जो अंदरून जो आवाज चालू है, अंदरून जो अपने मन में बातचीत चालू है, वहां से आपको तकलीफ हो रही है, और वो यदि आप उसको प्रेजेंट हो जाते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। पता नहीं आपने बोला करके गया कि और कुछ कोई बोलता था उससे जाता था, पता नहीं उसके दिन भर गए थे, वो इतना वो ताकतवर नहीं था कि वो जो उसके ऊपर बीत गई वो सहन करना, वो नहीं था उतना ताकतवर। चलो जो हो गया वो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। जब उनको सीटिंग मैंने ये लिए, काफ़ी सीटिंग लिए उनके, तो धीरे 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 उनको अच्छा लगने लगा। मेरा यही कहना है माँ बाप को कि अभी फैमिली प्रेशर या माँ बाप का प्रेशर जो है वो बच्चों के ऊपर कितना देना, वो भी माँ बाप ने देखना जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे हादसे हो जाएंगे। और फिर ऐसे हादसे होने के बाद में अभी ये इसके जो पिताजी थे उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया कि अभी वो बोल रहे कि भाई मैं मरता, क्योंकि अभी मैं उसका जिम्मेदार हूँ मरने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, काफ़ी जाने बच सकती है। थैंक यू वेरी मच।